आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की गई, यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महा रैली हम लोगों ने किया। और रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे, एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते हैं था, बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे, शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई, कोई जो है मैदान से हिला नहीं। जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे, तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के लिए। और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां, बहालियां निकाली हैं, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया, स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ, टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस नियमावली में, डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया, और वहीं बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है? इतने महीने हो, 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है, तो आखिर मामला क्या है?
खैर ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, डेढ़ डेढ़ रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। एक डेढ़ महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े हैं, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अब कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए, और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में, इसकी चिंता नहीं है। ठीक है, इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं एक एक का परिवार, भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया, आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। इस पर तो सारा बात आ ही गया है, इस पर क्या कहना, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ क्या कहना।
आचार्य के मन में रोहिणी आचार्य भी दिखी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो भी सब बात की। एक एक वन एक एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट कहा बीजेपी में बिहार में एकों को टिकट बांटा जाना, नाम बताइएगा। अब इसमें क्या कहें, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं। अब इस पे क्या बोल रहा हूँ, चौकीदार छोड़ने के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बाद का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह आप वो कहें वो उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या, पिटवाने का? मिलने का समय नहीं है किसानों से, क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। जनसभा में लाखों की भीड़ हुई, लेकिन भाजपा कह रही है भीड़ से कुछ नहीं होगा, वोट चाहिए चुनाव के लिए, वोट आप लोगों के पास सही है, ये बात भी जाएगा। काहेला हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन के आए, प्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन करके आए, वो तो बेमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे हम लोग तो 20 में। सब लोगों का योगदान है, और जो लोग कुछ भी कहते हैं वो अपना भी करके देख लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आखिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ जो चार विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फॉर नोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक ने और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है, तो निर्णय क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था, कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे हैं, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब आप अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। अब खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जाकर के फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। ठीक है, उनकी मर्जी, एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दे, बता देगा लोग जरा। तो 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं जरा सबसे पूछताछ कर ले। अभी आप आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ पूछिए। जैसे लालू जी ने बयान दिया हिंदू नहीं है उनको संतान नहीं, एक बीजेपी में कैंपेन शुरू हुआ कि मैं मोदी परिवार, फिर हिंदू है कि नहीं उसको लेकर के उन्होंने कुछ वीडियो जारी किया, कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा और राम मंदिर। क्या लगता है 2024 में जो ये एजेंडा सेट हुआ उसमें लालू ने ही मदद किया कि हिंदू राम मंदिर और परिवार? कोई 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 ये आपकी सोच है, मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी बेरोजगारी, ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की,
लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा है। इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोड़िए ना, पहले सर्टिफिकेट ठीक करा ले। चलिए।